नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 13 है। टेस्ट पेपर 13 में भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं और सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावना रखते हैं। आप लोग देखे होंगे कल हम लोगों ने नहीं, आज मॉर्निंग में जो है 1999 का पेपर सॉल्व किया है। 1999 के पेपर में आप देख लीजिएगा कैसा रिपीटेशन का चांसेस होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है और कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपका सिलेबस डिज़ाइन है उसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सब आपका डाउट आज क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम लोग टेस्ट पेपर 13 की तरफ बढ़ेंगे। टेस्ट पेपर 13 में 20 क्वेश्चंस लिया गया है। डाटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी डाटा हल्के मत लीजिएगा, हर एक प्रश्न को नोट डाउन करिएगा। आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर करिएगा, स्वमूल्यांकन विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। पहला क्वेश्चन लिया गया है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में सजोने का काम किसका रहा है? ऑप्शंस दिया गया, सुधीर रंजन खास्तगीर, यामिनी राय और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार या फिर अमृता सिरगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली के साथ जोड़ने का काम अमृता सिरगल कर रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, अमृता सिरगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? डॉट 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 द्वारा बनाया गया है। तो बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसने बनाया बेटा? के हेब्बर, के अचारा, राम कुमार या फिर एनएस बेंद्रे। तो बांग्लादेश का जो जन्म है आप जानते होंगे इंदिरा गांधी के कारण होता है, तो ऐसा दृश्य बनाने का काम किसका रहा है? के हेब्बर साहब का रहा है, ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, पूछा गया चित्रकार मानुकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मानुकू ने क्या चित्रित किया है? ऑप्शन से रामायण, महाभारत, गीत गोविंद या फिर रसिक प्रिया। तो मनुकू के द्वारा जो चित्रित ग्रंथ है उसे हम लोग गीत गोविंद के नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, मनुकू गीत गोविंद को चित्रित करने का काम किया है, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, पूछा गया पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है, किससे संबद्ध है? मुगल शैली, कांधा शैली, कांगड़ा शैली या फिर राजपूत शैली। बड़ा पहाड़ी चित्रकला का जो संबंध है मूल रूप से कांगड़ा शैली से है, कांगड़ा शैली इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, पूछा गया दीन-ए- इलाही धर्म किसने चलाया? दीन-ए- इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शन से अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे अकबर, राजा अकबर, यानी अनपढ़ राजा अकबर ने जो है दीन-ए- इलाही धर्म भी चलवाया था। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर करिएगा बेटा और जो है कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, पूछा गया शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन है? शाहजहां के काल का होना चाहिए, हिंदू चितेरा होना चाहिए, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं खामेरकर, माधो, महेश या फिर होनहार। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बड़ा शाहजहां काल का हिंदू चितेरा जो है होनहार है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, पूछा गया तूतीनामा कब लिखा गया है? तूतीनामा कब लिखा गया? 1567 से 1570, 1596 से 1998, 1596 से 1597 या फिर 1560 से 1568। तो तूतीनामा की रचना कब हुई है? 1560 से 1568 के बीच हुई है, 1560 से 1568 के बीच हुई है। एक क्वेश्चन और बनता है, तूतीनामा में कितने चित्रों को संकलित किया गया है? 103 चित्रों को तूतीनामा में जो है संकलित किया गया है। याद रखना है 1560 से 1568 के मध्य तूतीनामा चित्रित हुआ है 103 चित्रों के साथ। राइट आंसर डी बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं, 8 में कहा गया मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार किसे कहा जाता है, किस काल में बने हैं? तो मुगल काल में पशु पक्षियों का चित्रण सबसे पहले किस काल में बना है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो बेटा पशु पक्षियों का अच्छा चित्रांकन किसके समय में होता है, जिसके समय में मूल रूप से कहा जाएगा चित्रकला अपने स्वर्ण काल में है, यानी जहांगीर। राइट आंसर जहांगीर बनेगा। अच्छा पशु पक्षी चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर थे। उस्ताद मंसूर ही टर्की काक को बनाते हैं, मोरनी दृश्य को बनाते हैं, बाज पक्षी को बनाते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, उस्ताद मंसूर ने ही सबसे अच्छा पशु पक्षी का चित्रण
किया है, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया मुगल काल में व्यक्ति चित्रण निर्माण में विशेषज्ञ कौन था, तो व्यक्ति चित्रण निर्माण का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है, मधुकर दास को, विशन दास को, भूषण दास को या फिर कृष्ण गोपाल दास को। तो मेरा मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण का विशेषज्ञ विशन दास है, वा से विशेषज्ञ, वा से विशन दास, ठीक है। तो व्यक्ति चित्रण का विशेषज्ञ कौन है, विशन दास से मुगल शैली के हैं, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया कौन दो शैलियों के समन्वय से मुगल काल का आरंभ हुआ है, हिंदू और ईरानी शैली, मुस्लिम और चीनी शैली, फारसी और हिंदू शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दो शैलियों का जो है मेल का है तो फारसी प्लस हिंदू, फारसी प्लस हिंदू इक्वल टू क्या है, मुगल कला है। तो फारसी प्लस हिंदू, फारसी प्लस हिंदू इक्वल टू मुगल कला, इसमें राइट आंसर बनेगा सी। मुगल आप जानते हैं ईरानी प्लस राजस्थानी इक्वल टू मुगल भी होता है, ईरानी प्लस राजस्थानी, ईरानी प्लस राजस्थानी, राजस्थानी भी इक्वल टू मुगल कला होता है, और फारसी और हिंदू भी मिला करके मुगल शैली का निर्माण करते हैं। तो याद रखना है राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट डाटा आपको ये भी याद रखना है, ईरानी प्लस राजस्थानी इक्वल टू मुगल, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चितेरा है, ऑप्शन हैं बंगाल, किशनगढ़, बूंदी, दक्खनी। तो सुरजन का संबंध किस शैली से है, बूंदी शैली से है बेटा, राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बूंदी शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में कहा गया राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या माना जाता है, तो राजस्थानी चित्रों का जो मूल स्रोत माना जाता है वो क्या है, ऑप्शन हैं प्रागैतिहासिक, अपभ्रंश शैली, अजंता शैली या फिर बंगाल शैली। तो राजस्थानी चित्रों का जो मूल स्रोत माना जाता है वो माना जाता है अपभ्रंश शैली, यानी सी इज़ द राइट आंसर, अपभ्रंश शैली इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करेंगे। 13 में पूछा गया सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखती हैं, ऑप्शन हैं जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर सिख धर्म से। तो सित्तनवासल की गुफाएं आप जानते होंगे जैन धर्म से ज़्यादातर संबंध रखी हैं, राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, जैन धर्म इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में कहा जाता है भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी, छोटे चित्रण की शुरुआत किसने की है, राजपूत ने, पाल ने, मुगल ने या फिर मौर्य ने। तो बड़ा छोटे चित्रों की शुरुआत जो है, लघु चित्रण की शुरुआत किसने स्टार्ट करवाई है, तो पाल शासकों के द्वारा स्टार्ट होता है, पाल आप जानते हैं बंगाल वाला बेल्ट में गोपाल के द्वारा स्थापित होता है, पाल वही वंश है, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है, तो महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया भैया, 14वीं गुफा, 17वीं गुफा, 16वीं गुफा या फिर 21वीं गुफा, राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो जिसे हम लोग चित्रशाला कहते हैं उसी गुफा में मूल रूप से महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में भी दर्शाया गया है, सी राइट आंसर बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा गया है छंदक जातक कहानी है, छंदक जातक कहानी किसकी है, मगरमच्छ की, मृग की, हाथी की या फिर खरगोश की। तो छंदक जातक कहानी मूल रूप से हाथी की है बेटा, याद रखना है, बी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, मुगल शैली, अजंता शैली, अपभ्रंश शैली या फिर राजपूत शैली। तो बाघ गुफा चित्रों पे मूल रूप से जो है अजंता शैली का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, अजंता शैली इज़ द राइट आंसर, एन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया है किस मूर्तिकला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं, वह कौन सी मूर्तिकला है जिसमें हिंदू कला के अच्छे उदाहरण पाए जाते हैं, एलोरा, खजुराहो, सांची, अजंता, राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो एलोरा के साथ जाएगा। एलोरा में आप जानते हैं 34 गुफाएँ हैं, ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद वाले बेल्ट में पाया जाता है एलोरा। बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म से संबंधित गुफाएँ पाई जाती हैं, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म पाया जाता है, 13 से 29 तक ब्राह्मण पाया जाता है, जबकि 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएँ पाई जाती हैं। एलोरा की जान गुफा संख्या 16 में है, यानी कैलाश मंदिर में है।
याद रखना है इतना डाटा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, गंगा, कावेरी, यमुना। तो होशंगाबाद मूल रूप से बेटा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में कहा गया है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कौशाम्बी से, राजघाट से, या फिर तक्षशिला से? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 13 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है थोड़ा सा वीडियो लाइक कर देना बेटा, और मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करना जो लोग TGT कला की तैयारी करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।